नमस्कार, मैं मनीष कुमावत। आप देख रहे हैं मेरे साथ पॉजिटिव सोच की कहानी। फ्रेंडशिप डे, दोस्ती का दिन। जैसे जिंदा रहने के लिए हमें सांस लेना जरूरी है, ठीक वैसे ही जीवन में एक अच्छा दोस्त होना जरूरी है। दोस्त कौन? दोस्त वो जो आपकी शक्ल देख के आपका हालचाल बता दे, आपकी आवाज़ सुन के आपके मन की बात बता दे, बिना कुछ कहे सब कुछ जानने वाला वो होता है दोस्त। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दोस्ती में अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, और आप लोगों ने शायद उनके बारे में नहीं सुना है। उनके काम को, उनकी चीज को आप ज़रूर जानते हैं, उनकी सोच, समझ और जज्बे को पूरी दुनिया सलाम करती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ भारत के बहुत ही फेमस ब्रांड की, इमामी लिमिटेड की। इसके पीछे दो दोस्तों की कहानी, दो राधे श्याम की कहानी, आइए सुनते हैं। ये कहानी दो दोस्तों की, और दोनों का नाम राधे श्याम। एक राधे श्याम अग्रवाल और एक राधे श्याम गोयनका। इन दोनों दोस्तों की समझदारी और प्यार की बेमिसाल कहानी है ये। आज के इस आपाधापी वाले युग में और स्वार्थपर समय में, जहां आदमी अपने प्रति भी सच्चा नहीं रह पाता, दो राधे श्याम ने कई पीढ़ियों एक विश्वास, समझदारी और प्यार की एक जीवंत कहानी समझाई। दोनों ही राधे श्याम का जन्म फरवरी माह में एक वर्ष के अंतर से हुआ था। कलकत्ता के एक ही स्कूल में शिक्षा प्राप्त की व जीवन की मूल शिक्षा ग्रहण की। स्कूल के बाद दोनों ही दोस्त अग्रवाल के पिता की दुकान पर घंटों बैठकर व्यापार की बारीकियों को सीखा करते। गोयनका एक अंतर्मुखी और अग्रवाल एक बहुर्मुखी व्यक्ति हैं, जो कि काफी साहसी व गतिशील भी हैं। विपरीत लक्षण होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अग्रवाल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया और गोयनका ने कॉमर्स व लॉ की डिग्रियां ली। डिग्रियां लेकर दोनों ने ही बिरला समूह में नौकरी कर ली। दोनों दोस्त शाम को बैठकर मार्केट में किन चीजों की मांग है इस पर चर्चा किया करते थे। फिर एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की। जो माल बनता उसे घर घर जाकर बेचते थे, लेकिन इससे कोई बड़ी सफलता मिली नहीं। अग्रवाल कबाड़ी की दुकान से खरीदी गई केमिस्ट्री की किताबों में अलग अलग प्रोडक्ट्स के फार्मूले पढ़ते थे, फिर कंज्यूमर मार्केट के प्रोडक्ट्स के मुनाफे पर बातें करते। फिर एक दिन दोनों ही राधे श्याम ने अपनी अच्छी वेतन वाली नौकरी छोड़ दी और स्वयं की एक कंपनी केमको केमिकल्स की शुरुआत की। चूंकि अग्रवाल के पिता का व्यवसाय अच्छी अवस्था में नहीं था, इसलिए शुरुआत की 20,000 की पूंजी का ऋण गोयनका के पिता ने दिया। 70 के दशक में जब बाजार में विदेशी प्रोडक्ट्स का बोलबाला था, तब ऐसी कंपनी शुरू करना बहुत हिम्मत और साहस का कदम था। दोनों दोस्त अपने व्यापार कौशल के कारण बाजार में पैर जमाना जानते थे। जब ज्यादातर उत्पाद टिन के कंटेनर में आते थे, उस समय इन्होंने अपने उत्पादों को आयातित प्लास्टिक के कंटेनरों पर मुद्रित लेबल के साथ पेश किया। इस वजह से वे आयातित उत्पादों की तरह दिखते थे। पहले टेलकम पाउडर,
फिर लुप्त हो चुकी फेस क्रीम और कोल्ड क्रीम शामिल थे। अग्रवाल ने मार्केटिंग और विज्ञापन और गोयंका ने बिक्री और वित्त का काम संभाला। सन 1978 में करीब 100 साल पुरानी हिमानी लिमिटेड सहित कई कंपनियों का अधिग्रहण करके इमामी लिमिटेड में तब्दील कर दिया। आज 4 दशक बाद भी अपनी किस्म के नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना इमामी कंपनी की विशेषता है। आज इमामी समूह अपना विशाल रूप ले चुका है, जिसमें कागज, खाद्य तेल, रियल्टी, स्वास्थ्य सेवा व खुदरा जैसे व्यवसाय की श्रृंखला है। अग्रवाल और गोयंका परिवारों की व्यापार में बराबर हिस्सेदारी है। दोनों राधेश्याम की बनाई एक व्यवसाय और परिवार परिषद है, जो दोनों परिवारों को एकजुट रखने के लिए परिवारों के निवेश और व्यापार प्रस्तावों को मंजूरी देती है। इमामी फाउंडेशन मानव कल्याण की कई गतिविधियों में अपना अमूल्य योगदान देता है। कहानी से जो हमें सीख मिलती है वह है आपसी प्यार, विश्वास और समझ की बुनियाद पर ही मजबूत रिश्तों की इमारत बनती है। शुक्रिया। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या इसमें दोस्ती का सही मतलब आपको पता चला? कमेंट करके जरूर बताएं, अपने खास दोस्त को टैग जरूर करें। आपका हर एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।